just wanna be happy, happy tonight. चैनल एंड माई नेम इज साक्षी एंड वेलकम टू नवरंगी नवरात्रि सीरीज। इस सीरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू द कलर मैं मेकअप लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ। तो आज का कलर है ग्रे, सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग अ ग्रे सूट एंड माई आई मेकअप लाइक समथिंग टिंज ऑफ ग्रे, लाइक थोड़ा सा ग्रे इंडरटोन में है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फेस्टिवल कमिंग, सो आप उन फेस्टिवल्स में इस टाइप के मेकअप लुक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो या आई प्रिटी मच लव इट, मुझे लगा नहीं था कि दैट आई विल एबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ लुक ईजिली। सो आई होप आपको ये लुक पसंद आए, और अगर आप जानना चाहते हो हाउ यू कैन डू इट देन कीप ऑन वॉचिंग, एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग, देर इज अ गिव अवे रनिंग ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन दैट। एंड या विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग ऑफ हम स्किन प्रेप करेंगे। सबसे पहले आई एम यूजिंग निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीसी है, और स्किन प्रेप इज इम्पॉर्टेंट गाइज, तो या आई एम डूइंग दैट हियर। नाउ आई एम फिलिंग माई आईब्रोज यूजिंग माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल बाय मिस क्लेयर। ये टू इन वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, एक साइड आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको स्पूली मिल जाती है। तो मैं वही कर रही हूँ, अपने आईब्रोज को अपने अकॉर्डिंग फिल आउट कर रही हूँ। आपको थिक आईब्रोज पसंद है तो आप थिक आईब्रोज कर सकते हैं, तो चॉइस इज योर्स। नाउ मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन आउट और हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये इन साइड का कंसीलर। ये 110 रुपये का कंसीलर है गाइज, और ट्रस्ट मी दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट। सो ये स्टेप फॉलो करने से आपकी आईब्रोज एक डिफाइन नज़र आती है, और बस आपको अच्छे से करना है। और इसको ब्लेंड करूँगी मैं यूजिंग कफ्स एंड लैशेस का कंसीलर ब्रश, ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। तो अब जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं सेट करूँगी यूजिंग पर्पल का बीओ ओन बीएफएफ कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि कुछ भी क्रीज ना हो, क्योंकि हमारे को क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसे हम पाउडर से सेट कर लें। अब मैंने यूज़ करी है वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट, इसमें से ट्रांजिशन शेड लेके मैं इसे एज अ ट्रांजिशन कलर लगाने वाली हूँ। सो या मैं वही कर रही हूँ, हल्का हल्का आपको थोड़ा थोड़ा कलर पिक करना है, एक साथ बड़ा सारा कलर मत पिक करना, और धीरे धीरे आपको इसको ब्लेंड इन करना है। सो वही मैं यहाँ से कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले लूँगी ये बर्नट ऑरेंज काइंड ऑफ कलर, और इसको मैं अपनी क्रीज में प्लेस करूँगी। तो मैं कलर को वैसे मैं क्रीज पे ज़्यादा फोकस करके बाकी जितना कलर रह जाता है उसे मैं पूरी आईलेड में प्लेस कर रही हूँ, और धीरे धीरे आपको वही करना है, कलर को इंटेंसीफाई करना है और कुछ नहीं करना। सो अब मैंने दोबारा ट्रांजिशन शेड लिया है ताकि जितनी भी हार्श लाइन है वो सब डिफ्यूज़ हो जाए। उसके बाद वी विल यूज स्विस ब्यूटी के मेटालिक लिक्विड आई शेडो, ये बहुत अच्छा शेडो है, इसका नंबर है 04, और इसको मैं अपनी हाफ आईलेट पे प्लेस कर रही हूँ, कट क्रीज काइंड ऑफ कर रही हूँ, प्रॉपर कट क्रीज नहीं है बट यू कैन से। सो आज का सीक्रेट वर्ड हम रखते हैं चॉकलेट, तो आपको कॉमेंट सेक्शन में चॉकलेट वर्ड मैंशन करना है। सो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द इंटेंसिटी ऑफ सिल्वर, इसीलिए मैं ले रही हूँ ये ब्यूटी ग्लेस्ड की आई शेडो पैलेट, इसमें से सिल्वर शेड लेंगे और अपनी जहाँ पे मैंने ये सिल्वर मेटालिक शेडो लगाया था उसके ऊपर इसे प्लेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स, और इससे ही पूरा लुक चेंज हो गया था यार, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद दोबारा ट्रांजिशन शेड लेके सबको एक बार और ब्लेंड इन कर रही हूँ। सो मैंने दूसरी आईज कर ली ऑफ कैमरा और लैशेस भी लगा ली, लैशेस लगाते ही पूरा लुक चेंज हो जाता है। उसके बाद दोबारा मैंने ये बर्नट ऑरेंज शेड लिया है और उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे प्लेस कर रही हूँ ताकि सारा लुक एकदम पुट टुगेदर लगे। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग नायका का प्रेप मी अप, और इसको ही मैं अपने एज अ बेस प्राइमर के लिए यूज़ करा है, टी जोन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए, और वही कर रहे हो, काफ़ी अच्छा प्राइमर है, मेरा फेवरेट है। इसके बाद मैंने लिप बाम भी लगाया है फ्रॉम वादी हर्बल्स, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। फॉर माय बेस आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का 925 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन, ये बहुत लिक्विडी है, ऐसी सारी टी शर्ट पर ड्रिप हो गया था। और आज मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, सो ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल नेचुरल फिनिश आती है और जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो हट जाता है। और फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग इनसाइड का कंसीलर, ये अच्छा कंसीलर है काफ़ी अगेन, और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स और आउटर वी काइंड ऑफ एरिया पे लगा रही हूँ, पूरा इसे प्रॉपरली इन्वर्टेड सर्कल वाले मेथड से नहीं लगा रही, ये बिल्कुल नेचुरल वे है हमारा कंसीलर लगाने का, और इससे हमारी आईज को एक लिफ्टअप इफेक्ट मिलता है, काइंड ऑफ फॉक्सी इफेक्ट यू कैन से, और
बहुत अच्छा लगता है। और अपना सेम ब्रश से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ बाय कफ्स एंड लैशेस। अगर आपके डार्क सर्कल्स ज्यादा है तो आप अपना इन्वर्टेड ट्राइंगल वाला मेथड यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने फॉर सेटिंग दिस फेस मैं यूज कर रही हूँ पर्पल का बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके ऊपर मैंने सेपरेट रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पर, सो आप देख सकते हो वो काफी अच्छा पाउडर है और इसी से मैं अपना पूरा फेस सेट कर रही हूँ। फॉर ब्रॉन्जिंग अप माई फेस आई एम यूजिंग सिवाना कलर्स की ब्रॉन्ज प्रोफेशनल पैलेट और इससे बस मैं ब्रॉन्जिंग करूंगी क्योंकि कॉन्टोरिंग मुझे नहीं पसंद, तो मैं बस ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ एक टैंड इफेक्ट देने के लिए अपने फेस को। नॉर्मल एरियाज पे यू नो हॉलोज ऑफ माई चीक जो लाइन एंड अपनी नोज को कॉन्टोर करेंगे क्योंकि नोज कॉन्टोर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टोर नहीं ब्रॉन्ज, यू कैन से मैं कॉन्टोर कह रही हूँ। और बस यहीं पे हम अपना ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। इसमें से मैंने ये दोनों शेड लिए हैं, इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी। ये काफी पिगमेंटेड पैलेट है यार और काफी इनएक्सपेंसिव है और इसके अंदर आपको बड़े सारे शेड्स भी मिल जाते हैं विच इज अ गुड थिंग। सो अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे मैं लगा रही हूँ और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करने के लिए मैंने दोबारा अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उससे ब्लेंड इन कर रही हूँ ताकि ये सीमलेस भी लगे और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम भी हो जाए। और फिर हाइलाइट के लिए मैंने यूज करी है वेट एंड वाइल्ड की ये हाइलाइटर। इसका शेड है प्रेशियस पेडल और काफी अच्छा हाइलाइटर है यार ये। अब सेल चल रही है तो आप सेल के टाइम पे से जरूर ऑर्डर करना बिकॉज ये बहुत इनएक्सपेंसिव है और काफी अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर है ये। सो मैं अपने यूजुअल एरियाज पे अपना हाइलाइटर लगा रही हूँ। आज का सीक्रेट वर्ड है हमारा चॉकलेट गाइस, सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में चॉकलेट वर्ड लिख दो और मैं आपका कमेंट रीड करते ही डिलीट कर दूंगी। और अब हम अपना ब्राउन काजल यूज कर रहे हैं यू नो लोअर वाटर लाइन पे क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्मूथ आउट इफेक्ट चाहिए था। ब्राउन काजल ये पर्पल का है, ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफी पसंद आया। और बस थोड़ा सा ऐसे लगा रहे हैं और उसके बाद इसको मैं स्मच कर दूंगी ताकि एक स्मूथ आउट इफेक्ट लगे क्योंकि वैसे बहुत अच्छा लगता है। और अब लास्टली लिपस्टिक के लिए पहले मैंने मेबिलीन की कलर सेंसेशनल लिक्विड वाली लगाई थी बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द कलर तो मैंने उसको चेंज कर दिया था। उसके बाद मैंने यूज करी थी ये मेबिलीन की सुपर स्टे मैटिंग, इट्स इन द शेड नंबर 70। बहुत अमेजिंग कलर है यार ये, मुझे काफी पसंद आया। और मैं अपनी एक्सेस लिपस्टिक डैब ऑफ कर रही हूँ एट द बैक ऑफ माई हैंड एंड नाउ वी विल चेंज एंड वी आर डन। दिस वॉज वेरी मच इट। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए कलर के साथ। सो या कीप ऑन वॉचिंग, बाई।